अनेक महत्वना समाचार तेना उपर नजर करी जे समाचार हाल में सामे आवी रह्या छे। बिहारथी छे पटना में बुक सेलर ने त्या एनआईए दरोड़ा कर्या छे। एनआईए ना दरोड़ा बिहार नी अंदर दरभंगा थी एक ट्रांसलेटर नी अटकायत करवामां आवी छे। एक ट्रांसलेटर के जेनी अटकायत करवामां आवी छे एनआईए द्वारा दरभंगा थी तेनी अटकायत करी पीएफआई केस नी तपास करी एनआईए दरभंगा थी एक ट्रांसलेटर नी अटकायत करी छे। बुक सेलर ने त्या एनआईए दरोड़ा पड़ा जेमांथी जे ट्रांसलेटर छे तेनी अटकायत एनआईए द्वारा करवामां आवी छे दरभंगा थी। हजु पण एनआईए नु सर्च ऑपरेशन अहीं चालू छे। पटना में बुक सेलर ने त्या एनआईए दरोड़ा पड़ा छे। पीएफआई केस नी तपास हाल तो एनआईए नी टीम करी रही छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड नो मुद्दो हाल देश में टॉक ऑफ द टाउन छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ने आम आदमी पार्टी और उद्धव जूथ ने शिवसेना समर्थन आपी रही छे। केटलाक पक्षो एवा के जे यूसीसी नो सख्त विरोध करी रह्या छे। आ दरमियान राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बले फरी एक बार पीएम मोदी पर निशान साध्य। सिब्बले कहू कि पहला वडाप्रधाने देश ने जणावु जोईए कि यूसीसी माटे शुं प्रस्ताव छे अने तेओ कया मुद्दा पर एकरूपता इच्छे छे। जो तेओ साचुं कहेशे तो विपक्ष पार्टीओ पण आ चर्चा में पड़शे, परंतु ज्यां सुधी तेओ आ प्रस्ताव मुद्दे सामे ज न आवे त्यां सुधी चर्चा केवी रीते शुरू थाय। पहले तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। हम सिविल कोड विषय बात करता मेघालय ना मुख्यमंत्री कोनराड संगमाए जणाव्युं कि भारत तेनी विविधता माटे जाणीतुं छे अने यूसीसी तेनी विरुद्ध छे। कोमी भाईचारों ने एकता भारतना लोकोनी ताकत छे। बिलनो ड्राफ्ट जोया वगर टिप्पणी करवी योग्य नथी, परंतु आपणी संस्कृतिने पण बदली शकाय नहीं। राजकीय पक्ष तरीके अमने लागे छे कि उत्तर पूर्वीय भारत की पोतानी अलग संस्कृति छे अने अमे तेमां फेरफार इच्छता नथी। पार्टी पॉलिटिक्स इट गोज अगेंस्ट द एक्चुअल आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन एंड द डाइवर्सिटी इज व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स वी डोंट नो व्हाट विल हैपन in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been and that is what our culture has been. ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કરસિંહ ધામીએ યુસીસી પર પોતાનું મંતવ્ય જણાવ્યું। ઘણા લાંબા સમયથી યુસીસી સમિતિની રચના થયેલી છે। સમિતિ અમને કહ્યું કે યુસીસીનો મુસદ્દો તૈયાર થઈ ગયો છે, હજુ પણ તેના પર કામ ચાલશે અને તેનો અમલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। તેમણે અસદુદ્દીન ઓવૈસી બાબતે ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે અસદુદ્દીન ઓવૈસી જેવા લોકો જિન્ના ટાઈપની સંસ્કૃતિ લાદવા માંગે છે। દેશ પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં આગળ વધી રહ્યો છે। ભારતને સમગ્ર વિશ્વમાં આગવી ઓળખ મળી રહી છે। कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण देश के अंदर किया है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है, हमेशा वोटों के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है, एक वंश के लिए काम किया है। और हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया हो वो सशक्तिकरण को कैसे अपना सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो यूसीसी है वो संतुष्टीकरण भी है और सबका सशक्तिकरण। यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय बात करता केंद्रीय मंत्री वे मुरलीधरा ने आरोप लगाव के केरलना सीएम लोगों ने विभाजित करवा मांगे छे। मुख्यमंत्री आ प्रकार की प्रवृत्तियों से दूर रहू जो कोर्टे पण यूसीसी लागू करने की भलामण करी छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश ना तमाम लोगों ना कल्याण माटे लावामां आवशे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंधारण ना अनुच्छेद 14 मुजब छे, जेमां समानता की बात कराई छे। केरलना मुख्यमंत्री राजनीति करवा मांगे छे अने माटे आ प्रकार ना विवादास्पद निवेदन आपे छे। CM is trying to divide the people on communal lines.
he being a constitutional position, he should desist from such moves. Uniform civil code is something that the constitution envisages. That is something that the courts have been asking, and it's for the well-being of every citizen of this country, which is ensured by under the Article 14. So that equality of rights, that is what the uniform civil code will